जो है शिवाजी नगर में खुशी का माहौल था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग आए थे। लेकिन आज जो है ये इल्ज़ाम लगाकर कल यहाँ पर एक सीसीबी की रेड हुई, जिसमें यहाँ पर पुलिस वालों ने रशीद को सीज किया था। तो लोगों का कहना यह है कि रिजवान अरशद ने इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी, इसकी वजह से जो है यहाँ पर राशन सीज हुआ है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, हजारों की तादाद में लोग रिजवान अरशद की तारीफ कर रहे थे। आज रिजवान अरशद की फोटो को जो है चप्पलों से मार रहे थे। तो आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के माहौल को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या मानते हैं आप इस बात को? जी, कल तुम्हें भी थे ये माहौल के अंदर, जो चाहको आदमी हैं आए, पैसे देखो किसी भी आदमी को बुलानी है, जो यहाँ मोहल्ले के जितने भी आदमियाँ थे उनको ख्वाहिश से उन आयुष यहाँ, जो ये डेवलपमेंट होको है ये तो 35 साल से होको था क्या? आज हमें यहाँ बैठ रही, क्या वजह से बैठ रही? ये डेवलपमेंट होने से यहाँ को बैठ रही, नहीं कर तो यहाँ गांजा अफीम रात को ऐसे ऐसे होते थे, एक बच्चा आने डरता था यहाँ, समझे? अब ये जो माहौल में रेडा हो रही, ये हो रही, ये इलेक्शन के पहले होती सोचिए, परसों बीजेपी के वो इसके घर में हुआ रेड, 7 करोड़ कितने के पकड़े गए, वो क्या की हुआ, फिर कांग्रेस के इसमें हुआ, ये भी क्या की हुआ रहेगा, उन्होंने जाको वहाँ से प्रूफ ले लगाना था, कहाँ से इन्होंने कहाँ से ले लगाया, उन्होंने जाको पूछ करा दो, इन्होंने छुपके थे भी इल्ज़ाम न ले तो एक आदमी जो उन्हें हाँ है फंक्शन में, रिजवान भी हाँ ही उन्होंने फंक्शन में छुपका छुप दे आदमी को, एक मुठ्ठी भर आदमी को ले लगो, इन्हों उन्होंने भी नहीं करेगा, उनके इलेक्शन के टाइम को, उनके कॉर्पोरेटर के टाइम को उन्होंने भी काम करी, आदमी गरीबों को बड़े आदमी नहीं करोगे, नहीं बोल रही हमें किसे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सूचना का था टाइम, समझ रही मत को क्या भी लिया, उन्हें आगे उन्हें बोला लिया, उन्हें आगे बोला लिया, ये नहीं चलता, ये कौन किया को किसे की बोला लिया, कौन किया किसे की बोला, नहीं चलता, ये क्या है माहौल जो है प्रूफ होना, अब प्रूफ इश नहीं है ना यहाँ, जब प्रूफ नहीं तो कैसे इल्ज़ाम डालती ना, तुम्हें है क्या प्रूफ, तुम्हारे पास है क्या प्रूफ, उन्हें प्रूफ ले लगा खड़े क्या? अब ये चुपचाप से जो मारे हार जो बिना हमें नहीं कर सकते काम, वो हमें नहीं कर सकते क्या? हमें जाहिला नहीं, हमें जाहिला नहीं, लेकिन हमें काम नहीं करना, हमारा साथ भी वाली नहीं करना, छोड़ो जाहिलिश कर सकता जो काम नहीं। कल जो है यहाँ पर सारे लोग जमा थे, हम भी यहाँ पर थे, लोग जो है एमएलए रिजवान अरशद की तारीफ कर रहे थे, आज उसी लोग जो है एक गुस्से की शक्ल में नजर आ रहे हैं, रिजवान अरशद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। जब वो रिजवान अरशद के सामने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो राशन बांटने के वास्ते जो रेड हुई है, वो राशन नहीं जाने से वो औरतों को तकलीफ हुई है, लेकिन हुई नहीं तकलीफ, उन्हें हर साल हर रिश्ते बांटता जदमी वो नहीं बांटता हर कोई नहीं, लेकिन वो मुद्दे को ले लाख यहाँ ले लाख बदनाम कर को सियासत ही चलने का ये नहीं चलने देते शिवाजी नगर से, समझ रही? यहाँ मुठ्ठी भर आदमी वो करता, हमें भी जमो क्या आदमी को, पूरी आवाम को जमो क्या? नहीं है, जरूरत नहीं है, आवाम चाहती है किसे ले लगा ना, क्या करना है आवाम ने, यहाँ देख रही नहीं, अब तुम्हें खड़ी ना यहाँ एक 35 साल, तुम्हें कितने साल से इसमें प्रेस के अंदर में कितने साल से ही बोले बोले बोले, तुम्हें भी एक बात बोला मालूम होता सबको, कितने साल से ही तुम्हें आज तक देखे तुम्हें डेवलपमेंट ऐसा देखे क्या? नहीं देखे, आज देख रही तो उसके ऊपर भी बदनामगी, हमारे बच्चे चल रही है, हमारा चल रहा है माहौल, हमारे पूरे बाप दादा से नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, उन्हें करना से काम कर लेते हो, तुम्हारा काम तुम्हें करो। क्या रिजवान अरशद के खिलाफ साजिश है? आवाम बोलती है, हमें नहीं बोलते ये बात, अब तुम ना हमें डोर टू डोर बुला ले जाता हूँ सवारी पूरे डोर टू, हमें वो नहीं है मजाक कर ले, डोर टू डोर आदमी के लिए दिखाने के वास्ते, समझ रही? हमें जरूरत नहीं है, अगर ये काम हमें कर रहे हो तो सवा कर को दिखाती इंशाल्लाह, 2 मिनट का काम करूं, नहीं करना चाहते हमें जाहिला नहीं, हमना क्या है डेवलपमेंट करना, बच्चा को इल्म देना, बच्चा को तालीम देना, एजुकेशन देना, ये वास्ते ऐसा में हमें लड़ना लड़ाया लड़ने का जरूरत नहीं है हमना, समझ? अब ये आवाम जितनी भी आई है दिखो जी है आवाम को, है आवाम भैया ना, कहीं कोई ऐसे यहाँ मजाक कोई ऐसा बैठ को छाप लग जा रही रात को, ये तो अंधेरे में आपको बैठना था, पुलिस वाला होता था मार को भी सादा, तो क्या आने वाले दिनों में रिजवान अरशद यहाँ पर फिर से एमएलए बनेंगे? इंशाल्लाह 100%। ये क्या है वो वक्त बताएगा, अब हमें कहीं बोलने का नहीं है, वो वक्त आता वक्त को बताती है इंशाल्लाह। अफसर पाशा, मैसूर बड़ा मकान वाला है, शिवाजी नगर में शिवाजी नगर में हमारे साले का घर है, यहाँ को ही
अब ऐसा अच्छा हुआ है, पहले भी आकू एक से दो तीन बार बहुत अंधेरा रहता था, गड़गंजल गलीजा गिरी थी, अब अच्छा पाक साफ है, इत्मीनान से बैठ कोई, आधे घंटे से बैठ कोई हमें यहाँ इत्मीनान से है, क्या भी नो प्रॉब्लम, अच्छा है अच्छा है। हाँ जानती हमें रिजवान अरशद, आज जो है रिजवान अरशद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया है, सारे लोगों में रिजवान अरशद के खिलाफ एक गुस्से को देखा गया है, क्या ये गुस्सा सचमुच का है या लोगों को भड़काया गया है? लोगों को भड़काया गया है, इसके यहाँ जो काम चला है कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम नहीं चला है, आप लोग देख सकते हैं, स्कूल डेवलपमेंट है, रोड आन देख सकते हैं, सब कुछ जो है आपकी आंखों के सामने है। कल जो काम हुआ बहुत बेहतरीन काम हुआ, बहुत बेहतरीन, शिवाजी नगर की हिस्ट्री में अब तक उठा को देख लियो, कोसा भी MLA इतना डेवलपमेंट नहीं करा, स्कूल्स रंदे, कॉलेजेस रंदे, तमिल स्कूल रंदे, पूरे जितने भी होमा ही शिवाजी नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे आंगू काम कर रहे हैं। हाँ बेंगलोर में हो गया चार साल पहले शिवाजी नगर ऐसा नहीं देखे थे। कल ये प्रोग्राम हुआ है, अच्छा कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा सा। क्या घूमने आए थे, क्या बस थे? घूमने आए थे। कैसा दिख रहा है? हाँ, अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग भी पूरा फैंसम भी अच्छा दिख रहा है। सर ये क्या है, साजिश है जो आगे वाले अब तक ये काम कभी शिवाजी नगर में नहीं करे। पहले जो MLA सब थे, पहले वो जाने का पूरा पानी बाहर आता था, कौन भी ये नहीं करता था, कचरा सभी जगह डालते थे, रसल मार्केट का इतना बास आता था कि आदमी लोग को खड़ने के लिए भी नहीं जाती थी। अभी माशाल्लाह एक MLA साहब अपने खुद मेहनत से करके पूरा काम कर रहे, तो उनके साजिश क्यों करना है? अभी जो कर रहा है कमिश्नर साहब उसको जाकर चप्पल का डालो ना, MLA साहब को सब क्यों करते हैं? अब स्कूल डेवलपमेंट किए, कॉलेज डेवलपमेंट किए, इतना सब अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो काम करने वाले उसका नाम क्यों बदनाम करते हैं?